अरे वालेकुम सलाम रियाज, क्या भाई? वीडियो भाई देखा तुम्हारी मैंने, फुल कैप्सा एकदम स्टार्टर, अकेले अकेले खा रहे हैं। गरीब को याद करो, हम लोग को भी खिलाने में भूख लगी है क्या तेरे को? बहुत जोर की लगी है भाई। चल खप्सा खाएगा? खप्सा नहीं, फिर वो तड़कता भड़कता है अपने पास, तड़कता भड़कता है ना, काय को दूर जाने का? अरे है ना हाजी टिक्का सेंटर बोरी मुल्ले में। चलो तेरे को चखाते हैं आज हाजी टिक्का सेंटर की टिक्का बोटी, आ जा। चल देख, तू बोल रहा था ना टिक्का बोटी, तो आ गए हम यहाँ पर बोरी मुल्ले का सबसे फेमस टिक्का बोटी सेंटर, जिसे कहते हैं हाजी टिक्का सेंटर। क्या नाम है भाई? हाजी टिक्का सेंटर, मेन बोरी मुल्ले में लोकेटेड है ये पूरा। इनका यहाँ पर का पूरा रेस्टोरेंट का एरिया, ये गेट नंबर 1 है, ये है यहाँ पर इनका पार्सल काउंटर, स्विगी वगैरह पार्सल सब यहीं से जाते हैं, और तवा वगैरह आइटम सब यहीं पर बनता है। और जो अंदर जो है ना वहाँ पर उनकी बैठ के खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है, अंदर सिटिंग भी है अंदर, और काफ़ी वेराइटीज़ है। वैसे तो ये फेमस है इनकी टिक्का बोटी, कलेजी टिक्का चना बोटी उसके लिए, मगर अभी जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है तो पब्लिक चाहती है कि बर्गर्स खाना, फ्रेंच फ्राइज खाना, तवे का आइटम, लॉलीपॉप, तो इन्होंने वो चाइनीज़ आइटम भी ट्राई कर दिया है। मगर अपने को यहाँ पर ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम में ध्यान नहीं देना, अपने को इनकी जो मेन सिग्नेचर आइटम है ना वही तेरे को खिलाता हूँ आज। सो ये इनका सबसे पहला आइटम जो बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका बैदा रोटी भाई, बराबर बैदा रोटी, चिकन वाला है या मटन वाला है? चिकन वाला बैदा रोटी है, चिकन का मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये सबसे पहले ऑनियंस कांदा और ये थोड़ा टमाटर, और ये इनका चिकन, चिकन के मतलब पीसेस हैं, मसाले में ऑलरेडी चिकन बनी हुई है इनकी। अभी ये पड़ रहा है एग, और अच्छा एग्स को पहले से ही मिक्सचर करके बना लें ताकि जब अंदर ये फ्राई हो तो एक वो ऑमलेट की तरह लेयर बन जाए। अच्छा तो ये हो गया रेडी, नमक वगैरह पहले से ऐड किया हुआ है। अच्छा एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी एडेड। चल अभी ये जाएगा सीधा यहाँ पर तवा पे। तो ये सारी और कौन सी तवा पे वैरायटी है अपने पास भाई? चिकन रोल है, चिकन बैदा रोटी है, मटन रोटी है, मटन बैदा रोटी है, रोल है, तवा पे यही आइटम बनते हैं। और ये सब पूरा यहाँ पर है तवा फ्राई के अंदर, नान सैंडविच है, स्पेशल नान सैंडविच है, और यहाँ पर कीमा है मटन का वो भी एक्चुअल में, और काजू कीमा है, कीमा गुर्दा, भेजा वगैरह भी बनता है अपने पास। अच्छा यहाँ पर ये रखा, अच्छा मेरे से मिस हो गया, आई थिंक बरसात की वजह से इन्होंने थोड़ा सा हाइजीनिक के लिए इन्होंने थोड़ा कवर करके रखा है। गुर्दा है, भेजा है, यहाँ पर इनकी बाकी सारी इनकी जो सिग्नेचर आइटम है पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। तंदूरी, बोनलेस स्टार्टर, बीफ स्टार्टर, पिज्ज़ाज, सैंडविच रोल्स, बर्गर्स, साइडर्स, रोल्स एंड रुमालीज एंड फ्राई आइटम। तो अंदर इनका तंदूर लगा हुआ है, जहाँ पर चिकन तंदूरी है, सीख है मटन की, और इनकी जो टिक्का बोटी सब आइटम है। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ पर अंदर चल के इनका। तो चलिए दोस्तों लेट्स गो एड एंड सी द टिक्का आइटम। ये क्या आइटम है भाई? खीरी। ये खीरी, खीरी, अच्छा अच्छा खीरी के अंदर, ये खीरी इनकी सिग्नेचर आइटम। और ये भैया कलेजी है? कलेजी है, अच्छा कलेजी भी है हमारे पास, कलेजी भी, क्योंकि ये अपना पुराना सिग्नेचर आइटम है हाजी टिक्का सेंटर का, क्योंकि सालों से थोड़ा टीनेज जब हम लोग थे तो यहाँ पर खाते थे, जब इमदादिया के बाजू में इनका स्टॉल लगता था, अभी तो माशाल्लाह आउटलेट हो गई है, दुकान हो गई। तो ये इनका चिकन लेग है, ये चिकन वाली सीख है, ये चिकन सेक है, और ये हरा भरा आई थिंक चिकन, पहाड़ी टिक्का, और वो है इनकी कलेजी। तो ये जो हाजी टिक्का सेंटर है ना, इनका नाम जो है फेमस इसीलिए है, कलेजी के लिए, खीरी के लिए, और मटन बोटी के लिए ये सब, और ये इनका चिकन का आइटम था, बाकी ये सीख वगैरह बाद में एड ऑन हुई है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर लॉलीपॉप, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, ये तो बाद में एड ऑन हुआ है, मगर इनकी जो पुरानी जो चीज़ है जिसके जिसको अट्रैक्ट करके आधा मुंबई भोरी मुल्ले में खाने आता था वो यही सब आइटम है। ये यहाँ का इनका डाइनिंग एरिया है, तो लेट्स गो एड एंड मीट यहाँ पर शादाब भाई, अस्सलाम वालेकुम, समद भाई के छोटे भाई हैं। तो माशाल्लाह से बहुत काफ़ी आना जाना तो होता है, मगर आज तफसील से वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो मुझे शादाब भाई थोड़ी हाजी टिक्का सेंटर की लेगेसी के बारे में मालूम था कि कितने साल हो गए हैं अपने आइटम। ये हाजी टिक्का सिंस 1981 में हमारे वालिद हाजी अब्दुल हमीद कुरैशी जी, मैं देखता था टोपी लगा के वाइट और बड़ी दाढ़ी रख के वहाँ पर इमदादिया के बाहर वो भुना करते थे जी, जी। तो 81 से है अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफी लंबा अरसा हो गया माशाल्लाह, अभी 10 इयर्स हुआ है उनको इंतकाल कर गए जी 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 जी। पूरा बिजनेस मेरे बड़े भाई जो अब्दुल समद कुरैशी जी जी वो अभी पूरा रन करते हैं। अच्छा, और उनके अंडर गाइडेंस में मैं भी अभी बिजनेस में। अच्छा इंटर हुआ हूं। अच्छा मैंने देखा वो ज्यादातर पार्सल काउंटर पे ध्यान देते हो और यहाँ पर सिटिंग पे आप ध्यान देते हैं, फैमिली सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा, सब आके खाने खाते हैं सब। तो ज्यादा कौन सा आइटम चलता है अपना, मतलब ज्यादा अपना पब्लिक क्या पसंद करती है, हाजी टिक्का सेंटर में क्यों आती पब्लिक, क्या खाने आती है? जैसे कि हमारे वाली साहब ने बीफ आइटम स्टार्टअप किया था जी, उसके बाद हम भाई ने जब हाथ में लिए बिजनेस को, तो भाई ने बहुत से चिकन की वेरायटी चालू किए,
हमारे यहाँ ज़्यादातर दही लहसुन जो भाई ने हमारे इन्वेंट किए थे अच्छा। तो बहुत फेमस है अलहमदिल्ला, वो बहुत अच्छा चलता है। चिकन टिक्का है, चिकन का प्लेटर है जिसमें आपको अलग अलग टाइप की यहाँ मतलब जो जो पहाड़ी वगैरह सब बनी, अंगारा भी बना हुआ है, वो सब मिक्स आ जाए। चिकन अंगारा है, चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का है, चिकन पहाड़ी टिक्का है, ये सब आपको चार किस्म की वैरायटी का आप एक प्लेटर बना के। तो ये सब नया एड ऑन मतलब भाई ने टेकर की, ये सब एड ऑन किया आस्ते आस्ते, क्योंकि वालिद साहब के सब जब थे तो वो खीरी कलेजी बोटी वो ज्यादा चलती थी और बाद में चिकन चालू हुई थी तंदूरी। तो आज और ये गुर्दा और भेजा भी अपन बनाते हैं, आइटम भी मेरे भाई ने चालू किए, बड़े भाई सर। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो हमने अच्छा। ये भी चीज कंटिन्यू करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी 10 साल से कंटिन्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये यहाँ का सिटिंग एरिया बराबर पूरा सिटिंग फैमिली। अच्छा, माशा सिटिंग फैमिली एरिया है, मतलब फैमिली वगैरह आके सिटिंग कर सकती है। मतलब यहाँ पर भी कुछ तंदूर है, यहाँ पर कुछ अलग बनता है नहीं, सेम अच्छा यहाँ सिटिंग के लिए आइटम बनेगा, और बाकी तवा आइटम है और फास्ट फूड आइटम जो है वो सब वहाँ पर मिल जाए, सेकंड शॉप से मिलता है। अच्छा, सब कुछ एक जगह से हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो आज आप हम आपके मेहमान हैं, तो आज क्या आइटम खिलाने वाले हैं आप हमें? आज आपको मैं अपने वाली साहब का भी जो स्टार्टअप किया हुआ सिग्नेचर आइटम पुराना, वो तो खाना ही खाना है। मेरे जो बड़े भाई ने भी स्टार्टअप किए तो उनके भी बनाई हुई चीज खिलाऊंगा। तो उसमें खीरी जरूर डालेगा क्योंकि खीरी बहुत फेमस है इंशाल्लाह। ऐसा है कि खीरी अलहमदुल्ला हाजी टिक्का में जो सर्व होती है मोस्टली हर जगह नहीं सर्व होती, क्योंकि वो बचपन से वो हम लोगों ने देखा है आइटम आता है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला मैं अंदर सिटिंग थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सो दोस्तों, खाना पूरा हमारा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सबसे पहले हम यहाँ पर खाने वाले हैं खीरी, जो उनकी सिग्नेचर आइटम है। खीरी है और ये बोटी है और आई थिंक ये गार्लिक वाला है, लहसुनी वाला है। और यहाँ पर यह है सीख बीफ की, और ये इनका चिकन सीख, और ये इनका प्लेटर है। एक्चुअली जितने भी इनके जितने टाइप के हैं ना, हरा भरा और वो अलग अलग अंगारा जितने टिक्के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, और साथ में नान है। और मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, यहाँ की कलेजी को समझ भाई को बोलता हूँ, क्योंकि कलेजी इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पुरानी यादें हैं कलेजी की, यहाँ पर जब हम लोग टीनेज थे और यहाँ पर आके कलेजी और खीरी खाया करते थे। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले पराठा हो, पराठा कैसे भूल गए हम, पराठा आ चुका है सीख को खाने के लिए, और ये इनकी खीरी है। तो सबसे पहले चखेंगे खीरी, खाओ। आया है तो खाना लेकर तो तू ही आया है, खाओ। ज़बरदस्त आइटम है खीरी का, मतलब इतनी सॉफ्ट इतनी नरम खीरी। इसमें दो टाइप के हैं, वेरी वेल कुक और मीडियम रेयर, जैसा आपकी प्रेफरेंस हो। ये थोड़ी मीडियम रेयर है, हल्की कच्ची और हल्की पक्की, क्योंकि उसका जो सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहता है। अमेजिंग, खाओ यार ये बहुत खाओ, ये खाओ। वो बाद में, इसका नाम क्या है भाई? लहसुनी, बहुत ज़बरदस्त आइटम, ज़बरदस्त है। मगर जो पुरानी यादें हैं ना भाई बचपन की, वो उसको पहला चखने का मज़ा ही कुछ और है। इसको चख के देखा, इतना बेहतरीन मसाला लगा हुआ, नरम है, ऐसा लगेगा इतनी बड़ी बोटी है, मगर जब तू खाएगा ना ये ऐसा हाथ में यूँ घुल जाएगी। और इसके ऊपर का जो मसाला है ना, वो खाली खा के देख, बहुत अच्छा, एकदम नरम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ चुका है यहाँ पर कलेजी हाजी टिक्का सिंस 1981, और इनकी कलेजी मतलब हमारे पैदा होने के 8 साल के बाद ये ओपन हो चुकी थी। ज़बरदस्त बेहतरीन कलेजी, ये द ओरिजिनल हाजी टिक्का सेंटर इज़ फेमस फॉर दिस। जो हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है ये ब्रांड को क्रिएट करने के लिए और इसको सस्टेन करने के लिए, अब इनके लड़के अब्दुल समद भाई और शादाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसको चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। हमें भी मेरी जो तड़प थी ना यहाँ की हाजी टिक्का की सब आइटम चखने की, वो अब चख गई। अब तुम क्या बोल रहे, लहसुनी अच्छी है ये, चलो लहसुनी भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब गार्लिक का मसाला लगा हुआ है इसमें, मलाई टाइप है, मलाई अच्छा है। तो ये यंग जनरेशन लोग है ना, तो इनको चीज़ ये मेयोनीज़ ये सब आइटम पसंद आए, और हम लोग थोड़ा ओल्ड स्कूल है तो हम लोगों को ये सिग्नेचर आइटम ही इनके पसंद आए। मस्त, अच्छा है लहसुन, हाँ नहीं लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर है ना भाई, उसके वजह से वो चिकन तो एक्चुअली वाइट चिकन की टिक्की है,
कमाल उसका जो गार्लिक का जो मसाला यूज़ किया हुआ है असल कमाल उसका है। तो यहाँ पर है ये ग्रीन वाला आई थिंक पहाड़ी, और ये वाइट वाला तिक्का है। वी हैव स्मॉल पोर्शन। सो तंदूरी आइटम के बाद अब आ गया है तवा आइटम, चिकन भुना और मटन भुना। चिकन भुना क्रीम डाल के बनाया हुआ है। चिकन का भुना, बारीक बारीक चिकन के थोड़े पीसेस है, क्रीम डाला हुआ है। वेरी सिमिलर टू बटर चिकन जैसा रहता है, उसी टाइप का चिकन है, मगर अभी ट्राई करते हैं मेन आइटम जो मटन है। मटन इन द सेंस बोला जाता है मटन, मगर एक्चुअली वो होता है बीफ, क्योंकि लोगों की बात कर करके आदत हो जाती है, क्योंकि मटन से ज़्यादा जो फ्लेवर है ना वो बीफ में होता है, और इससे ज़्यादा वेराइटीज़ भी बनती है। ये आइटम है जोरदार, चिकन से ज़्यादा अच्छा मुझे फ्लेवर मटन का लग रहा है। अच्छा आइटम है ये, मसालेदार, थोड़ा चाट मसाला भी डाला हुआ है इसके ऊपर स्प्रिंकल, उससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। बहुत से लोग चाट मसाला पसंद करते टिक्के पे। और ये है इसका पहाड़ी, वेरी वेल कुक, पहाड़ी पुदीने में बना। बस और मेन आइटम लास्ट में ये चक्के, फिर मैं पराठे के साथ सब कुछ खाना। नहीं नहीं नहीं, पराठे के साथ खाने में चीज़ों का जो फ्लेवर होता है ना वो चेंज हो जाता है, कि वो पहले तुमको पराठे का फ्लेवर आएगा, उसका मैदे का पका हुआ, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचोगे। हम लोग क्या है, डायरेक्ट टेस्ट वाले, असली पहले चख लिया जाए किस तरह का है। अच्छा है, बहुत माइल्ड टेस्ट है। कोथमीर और हल्की हरी मिर्च है, बस मज़ेदार है। तो गाइस, अगर आप लोग भी आजी टिक्का सेंटर के सारे टिक्के और ये सारी डेलिकेसीज ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। बोरी मोहल्ले के अंदर इनका लोकेटेड है, गेट नंबर 1 के पास। पार्सल भी अवेलेबल है, दे आर ऑल्सो ऑन स्विगी एंड जोमेटोज, और ऑल भी जो डाइनिंग की साइट है उस पर भी अवेलेबल है। मगर यहाँ पर आके अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ बैठ के जो गरम गरम खाने का स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर चारकोल से यहाँ पर आके जो मज़ा है, और गरम गरम और क्रिस्पीनेस है, वो तो यहाँ पर आके खाने का ही मज़ा है। प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा हमारा वीडियो अगर आपको लगा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जल्द विज़िट करें हाजी टिक्का सेंटर, ओनली एट भोरी मुल्ला।